हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। और आज देखेंगे हम लोग फिजिकल एजुकेशन एग्जाम व्यापम जो द्वारा लिया गया था उसमें से सिलेबस से कोचिंग नोट्स, लर्निंग के सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। देखेंगे आठ सिद्धांत है, अनुक्रिया अनुकूली सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावलोव कुत्ते पर इसने रिसर्च किया है और इस प्रकार से छोटे पॉइंट में देखेंगे, इसके बहुत कहानी भी है कि इस प्रकार से कुत्ते पर रिसर्च किया गया, वो सब चीज को अगर पढ़े रहेंगे तो याद रहता है, तो देख लीजिएगा। उद्दीपन का सिद्धांत है, वाडरसन ने ये खोज किया था खरगोश के ऊपर। और नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो थार्नडाइक ने दिया था, बिल्ली के ऊपर ही रिसर्च किया था। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कोहलर, बनमानुष और बिल्ली, तो बनमानुष वाला जो कहानी है बहुत ही मजेदार है और इस पर देख सकते हैं, इसकी कहानी भी देख सकते हैं क्या याद रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्रिया प्रसून का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, स्नीकर लिख दिया है ठीक है। चूहे पे इसको जो है रिसर्च किया गया था, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको ध्यान मत दीजिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो ये बंडूरा ने दिया है, बच्चों पे ये किया गया है। प्रबल पूर्व बलन का सिद्धांत, तो ये है हॉल के द्वारा दिया गया है, चूहे पे इसने रिसर्च किया था। आठवां है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, और ये है गुंथरी, खरगोश जो है लेखक है, जो खोजकर्ता है, रिसर्चर है गुंथरी, तो इन्होंने भी खरगोश के ऊपर किया था।